मात्रा में तरह से फंड दिया गया, कैसे देखते हैं आप इसे? और इस देश के करोड़ों अन्नदाताओं का क्या हुआ, जिनसे आपने वादा किया था कि हम आपके फसल का दाम दोगुना करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP दोगुना करेंगे, उस वादे का क्या हुआ? देश के करोड़ों किसानों को इस बजट से निराशा हुई है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि MSP दोगुना होगी, उसके लिए अलग से बजट में कोई प्रावधान होगा, नहीं किया आपने। देश के करोड़ों युवाओं को उम्मीद थी कि अग्निवीर योजना को खत्म करके सेना की पुरानी भर्ती आप बहाल करेंगे और उसके लिए सेना में अलग से बजट का प्रावधान करेंगे, आपने नहीं किया। इस देश के करोड़ों लोगों को उम्मीद थी कि महंगाई से आप राहत देंगे, डीजल पेट्रोल के टैक्स में कुछ आप छूट देंगे, वो आपने नहीं किया। वो वर्ग निराश हुआ है महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसानी पर, ये बजट पूरी तरीके से खामोश है। नंबर एक। आगे आ जाते हैं, इस देश के छोटे निवेशक जिनकी संख्या करीब करीब 10 करोड़ है, जो शेयर बाजार में अपना पैसा लगाते हैं और अपने घर के खर्च को चलाने के लिए वो एक रास्ता चुनते हैं, कुछ कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, आपने क्या किया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ा के 10 से 12.5% कर दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ा के 15 से 20% कर दिया। 10 करोड़ छोटे निवेशक मतलब लगभग 30 करोड़ लोग, उनके परिवारों की संख्या आप मिला लीजिए तो आपने प्रभावित कर दिया, तो एक बड़े वर्ग को आपने निराश किया। और आप देखिए शेयर मार्केट धड़ाम हुआ है, गिरा है, इसका मतलब कि इस बजट से घोर निराशा हुई है शेयर बाजार को भी और आम लोगों को। ग्रामीण सड़क योजना को फिर से एक तरह से लोन फेज फोर शुरू किया जा रहा है, उसके लिए फंड का प्रावधान किया गया है, युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना शुरू की जा रही है, युवाओं को सबसे पहले तो इस सरकार को इंटर्नशिप की जरूरत है कि ये देश कैसे चलेगा पहले ये सीख लो। आपने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा हर साल किया था, अब आप इंटर्नशिप पे आ जाते हैं। अरे भाई, रोजगार कैसे दोगे, नौकरी कैसे दोगे, जो आपने सेना को ठेके पे रखा हुआ है, 4 साल के हमारे जवान आप तैयार कर रहे हैं, उससे आप कैसे देश को निजात दिलाएंगे, इस पे आप बात नहीं करते हैं। आप इंटर्नशिप प्रोग्राम की चर्चा कर रहे हैं, बिहार के लिए 26,000 करोड़, आंध्र के लिए 15,000 करोड़ की बात कही अलग से, तो भाई साहब आपने फिर सुना नहीं। 9 साल पुराना देश के प्रधानमंत्री का भाषण है, उन्होंने कहा था जय प्रकाश जी की कर्म भूमि से बोल रहा हूं, 50,000 करोड़ से काम नहीं चलेगा, 60,000 चाहिए, 70,000 चाहिए, 80,000 चाहिए, 90,000, नहीं 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 नहीं, 1,25,000 करोड़ रुपए। तो 9 साल हो गए, वो 1,25,000 करोड़ की घोषणा हुई, अब 26,000 करोड़ रुपए आप कह रहे हैं कि बिहार के लिए अभी घोषणा हुई है, ये कब जमीन पे पहुंचेगा? अगला 9 साल लगेगा ये 26,000 करोड़ पहुंचने में या नहीं पहुंचेगा, ये तो समझ। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया, आपको लगता है राहत मिलेगी इससे लोगों को? देखिए, जो सबसे बड़ी राहत की उम्मीद थी उसमें तो आपने निराश किया और इसी के कारण शेयर बाजार गिरा है। दिल्ली और पंजाब को कुछ, दिल्ली और पंजाब का मैं अभी डिटेल बजट आएगा आप देख लीजिएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ 325 करोड़ से ज्यादा दिल्ली को मिलने वाला नहीं है, बाकी डिटेल जब आएगा बजट तो आप देख लीजिएगा। जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब का तो 8,000 करोड़ रुपए खुद ही केंद्र सरकार के पास बाकी है, वही नहीं दे रहा है।